वन ओम ईच, सारे रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे वन ओम ईच, लेवल 1 to 8 एंड टू आइडेंटिकल बैटरीज 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। कौन सी 12 वोल्ट है? ये वाली आपकी 12 वोल्ट की है और ये वाली आपकी 6 वोल्ट की बैटरी बेसिकली है। Which of the following statement is or are correct? ठीक है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही या कौन से स्टेटमेंट सही है? यार अगर आप देखो सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है तो मैं इसको बायसिमेट्री ऊपर पलट दूं तो ये वाला 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ध्यान से देखना, इस 1 ओम 1 ओम और 1 ओम के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल, तो हमारे पास 1 और 1 का पैरेलल 0.5 0.5 और ये 1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं तो मैं इस रेजिस्टेंस 1 वाले को यहां कर लेता हूं, बैटरी को यहां कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर हमारे पास ईएमएफ कितना था इसका, 6 वोल्ट का था, ठीक है, ये 6 वोल्ट का है इस टाइप से, और यहां पर आपका रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स का बेसिकली हो गया होगा, यहां पर आपका 0.5 ओम्स का ये भी हो गया और ये भी आपका 0.5 ओम्स का हो गया, यहां पर आपका 1 ओम्स का ये हो गया, और बैटरी की बात करी जाए इधर पॉजिटिव है, 12 वोल्ट की बैटरी आपकी कहीं ना कहीं यहां पर होगी, ठीक है। अगर आप देखें तो ये दोनों तो सीरीज में है। एक और अगर आप सर्किट बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं, अगले पेज भी बना लेते हैं, ठीक है हमारे पास। तो यहां पर आपका 1 + 0.5 3/2 आप लिख सकते हैं, एक बैटरी आपकी ये रही, फिर यहां पर आपका हाफ है, यहां पर आपका 3/2 है और यहां पर आपका जो बैटरी है दैट इज 12 वोल्ट। इतना सिंप्लीफाई कर दिया। अब जरा देखो नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन को आसान किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें हर रेजिस्टेंस मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस में करंट बताना है, ठीक है, तो नोडल एनालिसिस से थोड़ा सा आसानी से लिया जा सकता है। यहां पर कितना था, 6 वोल्ट था ना ये, 6 वोल्ट, ओके, दिस इज 6 वोल्ट, तो यहां पर आप 0 ले लो, ठीक है, ये आपका 6 वोल्ट, यहां पर अगर आपने 0 ले लिया यहां x ले लो, इस जंक्शन के नोडल एनालिसिस की इक्वेशन जरा देखो, 0 से ये यहां पर 6 हो चुका होगा और 0 से ये यहां पर -12 हो चुका होगा, तो इस नोड के लिए अगर इक्वेशन बनाता तो x -6 डिवाइडेड बाय 3 * 2 ऐसे आता, प्लस x -0 डिवाइडेड बाय 1 या फिर ट्वाइस कर दो सीधे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, प्लस यहां पर x +12 डिवाइडेड बाय 3 * 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 2x -12 और यहां पर आता 3x और यहां पर ये 3 6x, ठीक है, और यहां पर आता 2x plus 24 equal to 0, तो ये आता 6 7 8 9 10, 10x is equal to, ये अगर आप देखें तो 24 minus 12 plus 12 equal to 0, x की बात करें -1.2, ठीक है, x की वैल्यू जो आपकी आई दैट इज -1.2। अब आप जरा देखते हैं कौन कौन से रेजिस्टेंस की हमारे पास कैलकुलेशन, अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू R1 R2, पहले दो को पकड़ते हैं, R1 R2 कौन कौन से थे जरा देखते हैं, ठीक है, R1 एक तो ये रेजिस्टेंस है R1 और एक ये रेजिस्टेंस है R2। R2 वाले की बात करी जाए, ध्यान से देखो कहां गया, हां, तो करंट थ्रू I इक्वल टू R2 की अगर बात करी जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है, कहां गया कैलकुलेटर, तो हम लोग कह सकते हैं 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, या फिर 1.2 इनटू 2 बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 2.4 आएगा R2, इस वाले में से हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है 2.4, ठीक है, ये R2 की वैल्यू 1.2 यहां पर दे रखी है, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग, यस यहां पे गड़बड़ हो सकती थी क्योंकि हम लोगों ने ओवरलैप किया है, R2 में से हमारे पास 1.2 की वैल्यू कह रहे हैं, यस हम लोगों ने ओवरलैप किया है, ये पैरेलल है इसके साथ, 2.4 हमारे पास टोटल आ रहा है तो 1.2 इसमें से जरूर जाएगा, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं I इसमें से जो है, ठीक है, ऐसे I जो इसका आ रहा है 2.4, बट ये वाला ओवरलैप हो गया आया था तो ये 2.4 करंट दो हिस्सों में टूटेगा, तो I R2 की वैल्यू आपकी 1.2 एम्पीयर आएगी, तो ये वाला हो गया, ठीक है हमारे पास, और एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद R1 की बात थी, तो R1 हमारे पास यहां पर था, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास इस ब्रांच का करंट निकाल लिया जाए तो I R1 अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 1.2, ठीक है, माइनस 12 -1.2 और डिवाइडेड बाय 1.5 अगर आप देखें तो 7.2 एम्पेयर इसमें से करंट आएगा, ठीक है, इसका एक बैक आप पीछे चले जाए तो ये वाला जो करंट आ रहा है हमारे पास 7 एम्पेयर का हमारे पास आ रहा है ना, कितना आ रहा है 7.2 एम्पेयर का हमारे पास करंट आ रहा है, तो इसमें कितना दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, ये भी हमारे पास सही है, ये भी हमारे पास सही है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू आर थ्री, जरा देखा जाए डायग्राम में, R3, ये वाला, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच को जरा घूरा जाए, तो इस वाली ब्रांच में हमारे पास आएगा, ठीक है, 6 minus of -1.2, तो 6 plus 1.2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 1.5 अगर आप करेंगे तो 4.8, IR3 is 4.8 आपका आएगा। तो यहां पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ IR3 is 4.8, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R5 कहां पर है जी, ढूंढिए, ये रहा, ठीक है, हमारे पास R5, इसके साथ ओवरलैप हमारे पास हुआ था ना, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर जो टोटल करंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला आया था हमारे पास 4.8, तो 4.8 का आधा, जरा ये देखो, ये 4.8 था, ये 0.5 दो ऐसे एक था, तो 4.8 का आधा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो 2.4 इसमें जाएगा, 2.4 ऊपर वाले में गया होगा। तो हमारे पास इस वाले का भी आंसर है, किस किस को है? ये चारों आंसर मैच हुए थे, ठीक है। अरे स्पैमर को छोड़ो ना,